ओम श्री गणेशाय नमः, जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये जनरल रीडिंग होने वाली है। और अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, वेलकम यू, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए पाइसेस, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए देख लेते हैं कि ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है फॉर ऑल द लवली पाइसेस पीपल। ओ मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके सो पाइसेस, आप पिछले कुछ वक्त से अगर यू नो यू वर फेसिंग सम एंग्जाइटी, प्रेशर, डिप्रेशन और एनीथिंग, यू वर लुकिंग फॉर अ चेंज, ठीक है, आप चेंज ढूंढ रहे थे, वो चेंज आपके लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अ मैन होल्डिंग अ हार्ट, ओके, चेंज चाह रहे हैं, चेंज इज कमिंग। 9-9 नंबर अब ये आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। 9 इज ऑब्वियसली इट्स लाइक ब्रिंगिंग चेंज। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई बदलाव ऑलरेडी आप महसूस कर रहे हैं, या आ चुका है या आने वाला है जल्दी ही। इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, दिस पर्सन इज़ लाइक यू नो गुड लुकिंग, हैंडसम, और हो सकता है कि ये आपकी लाइफ में जल्दी आ सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट यू नो बीइंग इन योर पावर, बीइंग इन योर स्ट्रेंथ। हो सकता है कि आप कुछ अचीव करें जो आपने अपने लिए सोच रखा है, यू नो आपके खुद के ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। 5 इट्स आल्सो अ नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। ओके सो सम सॉर्ट ऑफ चेंज इज हैपनिंग, ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि यू आर फीलिंग दैट वाइब्स ऑलरेडी, आप वो जो वाइब्स हैं, वो जो एनर्जी है, वो ऑलरेडी आप पिक कर रहे हैं। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है इट्स अबाउट वेरी इंटेंस इमोशंस। तो ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी यू नो लाइक अच्छा साबित हो सकता है इन मेनी वेज। वो किस वे में एंजल्स कहना चाह रहे हैं आइए देख लेते हैं। टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, ओके, ओके सो पाइसेस, सो यहां पर एक एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए, कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है इट्स अबाउट यू नो हैविंग ऑप्शन अराउंड यू, इन फ्रंट ऑफ यू। जिनके लिए नहीं है उनकी बात नहीं हो रही है, बट ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है इट्स लाइक कि आप वो कन्फ्यूजन में हैं, डिलेमा में हैं। ऐसा नहीं होता है ना कि कई बार क्या होता है कि आपके अराउंड लोग बहुत होते हैं लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे होते हैं, या आप चूज, ऐसा नहीं है कि कोई फूल लेके ही आपके पास खड़ा हुआ है, ठीक है, कि अरे मुझसे शादी कर लो, ये नहीं। इट्स अबाउट चॉइसेस कि आपकी लाइफ में आप अराउंड, अगर आप चाहें आप किसी से बात कर तो सकते हैं, बट वो जो फीलिंग है, वो जो इमोशन है, वो नहीं है ना, तो वो चीज़ है। एंड येस, लास्ट टाइम मैं कमेंट रीड कर रही थी कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे थे अपने लिए, दिस एंड दैट, कि पाइसिस के साथ हमेशा ऐसे होता है। आप क्यों अफर्म करते हो, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्यों आप यू नो नेगेटिव खुद टाइप करते हो अपने लिए, ठीक है, और फिर खुद ही उसको अफर्म करते हो, मतलब उसको पक्का करते हो, क्यों करते हो आप ऐसा? ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि जहाँ थोड़ी बहुत उम्मीद भी होगी ना, वहाँ पे भी उस पे पानी फेर दोगे। ऐसा नहीं कीजिए। और मैं बाकी सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ उसमें यस यस टाइप करके उसको अफर्म मत करो। अच्छी चीज़ों को क्लेम करो अपनी लाइफ में, अच्छी चीज़ों को अफर्म करो, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कि जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आ जाए, लेकिन इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए, एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। नाउ गेटिंग बैक टू द रीडिंग पाइसेस, यहाँ पर एंजल्स कहना चाह रहे हैं इट्स लाइक कि आप वो लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि आपका मन कह रहा है। बट द प्रॉब्लम इज कि मन हाँ भी कहता है और मन ना भी कहता है, ठीक है। आपके माइंड में इट्स लाइक शेडीनेस, आपको लग रहा है कि अगर क्या अगर आपने जंप लिया और आप डूब गए तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि भगवान का नाम लेके आगे बढ़िए, ठीक है, फिर आपको कोई घबराहट नहीं होगी। 5 ऑफ वॉन्स एनर्जी आ रही है, हो सकता है सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है, मतलब सिचुएशन अनक्लियर है, इसीलिए आपको ऐसा डर लग रहा है। ऑन द अदर हैंड, आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, वेरी फायरी एनर्जी, वेरी यू नो, अब ये फायर साइंस हो सकते हैं, वाटर साइंस हो सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन, इनके बहुत इंटेंस इमोशंस दिखाई दे रहे हैं आपकी तरफ, और उनको ऐसा महसूस हो रहा है दैट आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। आप देख सकते हैं 2 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट और फायरी एनर्जी इस पर्सन की दिखाई दे रही है। आउटकम पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, एंड दैट इज़ एम्प्रेस एनर्जी। दैट मीन्स कि कुछ स्पेशली जो लोग सिंगल है उनके लिए हो सकता है कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक है, कुछ पॉजिटिव हो सकता है आपकी लाइफ में, या हो सकता है इट्स ऑल अबाउट यू नो आप, क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना, इट्स लाइक
दे आर रिग्रेटिंग, समबडी इज हैविंग स्लीपलेस नाइट, दे आर रिग्रेटिंग, मुझे लग रहा है. और बाकी सबके लिए इट्स लाइक अ स्लो कनेक्शन, कि चीज़ें स्लोली आगे बढ़ रही हैं, पर बढ़ रही हैं. ठीक है, ऐसा नहीं कहूँगी, मुझे ऐसा लगता है कि एक चैनल ज़रूर ओपन अप हो रहा है पाइसिस के लिए भी, लेकिन आपको अगेन थोड़ा वक्त देना होगा. लेट मी सी, अभी इनकी इंटेंशन भी देखेंगे और क्या मैसेजेस आ रहे हैं. गेटिंग टू नो ईच अदर, ओके. सो यहाँ पे एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि एक दूसरे को जानिए, एक दूसरे को पहचानिए. आपकी जो लव लाइफ है वो आगे की तरफ बढ़ रही है, एंगेजमेंट का कार्ड आ रहा है. सो इट्स अ गुड एनर्जी कि यू नो कि चीज़ें चाहे स्लो आगे बढ़ रही, बढ़ तो रही है. योर लव लाइफ इज असेंडिंग, इसका मतलब वो ग्रो कर रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है. तो अब यहाँ क्या चाहिए कि आप एक दूसरे से बात कीजिए, अपनी जो इनर मोस्ट फीलिंग्स हैं. आपके पार्टनर की इंटेंशन क्या है? देखिए, ये पर्सन जो है ना, एक्चुअली मेन द थिंग इज कि कोई है आपके अराउंड. मुझे ऐसा लगता है कि टेन ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी है, जो बहुत ज़्यादा हो सकता है कि प्रेशर कैरी कर रहे हैं, या हो सकता है कि उनका भी कुछ एक्चुअली में कोई पास्ट रह चुका था, यू नो. ये कुछ लोगों के लिए रिफ्लेक्ट हो रहा है, या हो सकता है इट्स अबाउट अ सिचुएशन कि किसी की फीलिंग्स आपके लिए बदल रही हैं. ये स्पेशली वो पर्सन दिखाई दे रहे हैं जो आपकी तरफ शायद आना चाह रहे हो फ्रॉम द पास्ट. कोई है जो आपके पास्ट में से आपकी तरफ आना चाह रहा हो, और आपने ब्रेक कर दिया, आपने ब्लॉक कर दिया, या ब्लॉक नहीं किया या बात बंद कर दिया. एंड आई थिंक लाइक समथिंग दे वांट टू चेंज, आई डोंट नो, या कुछ ऐसा है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है. अदर देन दैट मुझे ऐसे लग रहा है इट्स अबाउट फॉरवर्ड मूवमेंट. ठीक है, कोई है जो आपकी तरफ एक्साइट हो रहा है. न्यू रिलेशनशिप इज़ ऑन द हॉरिजॉन, कुछ के लिए इट्स अबाउट न्यू एज वेल, लाइक समथिंग न्यू, क्योंकि यहाँ पे एंगेजमेंट आ रहा है, दिस कुड बी द वन आ रहा है. ठीक है, सो इट्स अप टू यू कि कोई न्यू रिलेशनशिप आपकी तरफ आ सकता है, बट यू नीड टू प्रॉबली गिव योर सेल्फ टाइम. आपको खुद को थोड़ा वक्त दीजिए, और जो भी पास्ट में हुआ, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक वो एक एनर्जी दिखाई दे रही है कि कोई है जो आपको लेके कोई डिसीजन लेना चाह रहा है, या फिर हो सकता है कि इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बदल रही हैं. पहले इनकी इमेच्योर एनर्जी थी, यू नो, अब ये आपसे बात करना चाहते हैं, और ऐसी कोई एनर्जीज दिखाई दे रही हैं. चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, व्हाट एल्स. इवन आई एम यू नो एक्साइटेड कि पाइसिस की लाइफ में पाइसिस आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आपको क्या करने की भी जरूरत है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है. ओके, क्रिएटिविटी. ओके, सो यहाँ पर मुझे एक वो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी दिखाई दे रही है. स्पेशली यहाँ पे देखिए, आप एक कपल हैं, ठीक है, हैंड इन हैंड वो आगे बढ़ रहे हैं अपने एक सपनों की तरफ, अपनी यू नो शिवलरी. डेफिनेटली पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू, आपकी आपकी तरफ कोई आ सकता है. दिस पर्सन सीम्स टू बी वेरी रोमांटिक, कोई बहुत रोमांटिक पार्टनर हो सकता है जो आपको बहुत प्यार करने वाला है. कोई कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ ट्रैवल ऑल्सो, कि कोई आपकी तरफ ट्रैवल कर सकता है, आपकी तरफ यू नो आपसे बात करना चाहता हो, आपसे कम्युनिकेट करना चाहता हो, एक्सप्रेस करना चाहता हो. ये पर्सन आपसे थोड़े बड़े भी हो सकते हैं, आई डोंट नो, थोड़ी डिस्टेंस पे हो सकते हैं, बट डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू, या आपके सोलमेट हो सकते हैं, यू नो, वेरी क्रिएटिव. और या कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक यू नो लाइक सॉर्टिंग थिंग्स आउट. कुछ के लिए ये भी हो सकता है दिस इज सीम्स टू बी अ वेरी बिजी पर्सन, कोई बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन हो ये, ठीक है, अपने आप में रहने वाले, और लाइक मेकिंग टाइम फॉर यू. ये सारी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द पाइसिस पीपल. सो पाइसिस ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक कि पाइसिस अपने एक बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, एक बहुत बड़े चेंज की तरफ आप बढ़ रहे हैं. एंड इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, यस, वॉकिंग अवे आप देख सकते हैं, सो यू आर वॉकिंग अवे. आप पुराने कनेक्शन की तरफ से आगे बढ़ के और एक नए कनेक्ट, देखिए, थिंकिंग मैन, देयर इज़ अ मैन, आई टोल्ड यू, कोई है जो आपको ऑफर करना चाहता है, एंड दिस पर्सन सीम्स टू बी यू नो इंटरेस्टेड इन यू, लाइक एन ऑफर और अ लव ऑफर और कमिटमेंट जल्दी आ सकती है, बट उसके लिए आपको लेट गो करना है, लेट गो करना बहुत ज़रूरी है. चलिए करियर की भी बात कर लेते हैं. करियर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगेन नाइन नंबर हमें दिखाई दिया, ठीक है. करियर वाइज आई थिंक यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको फोकस करने की जरूरत है. ओवर स्पेंडिंग से बचने की जरूरत है इस हफ्ते. मुझे ऐसा लगता है समबडी हैज लाइक एन आई ऑन योर मनी, या कोई नज़र दोष या ऐसा कुछ है. अपने आप को बचा के रखिए, अपने आप को सेव करके रखिए, यू नो अपनी मनी को सेव करके रखिए, बिकॉज यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अबाउट कि कुछ खर्चा दिखाई दे रहा है, ओवर एक्सपेंडिचर दिखाई दे रहा है, और मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट कुछ के लिए हो सकता है चेंज, अ ड्रास्टिक बिग चेंज कमिंग इनटू योर करियर. कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि अपने प्लान्स किसी से डिस्कस मत कीजिए, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है पाइसिस, क्योंकि पाइसिस जो है वो अपनी बात यू नो लोगों से डिस्कस कर लेते हैं, एंड लोगों की जो इंटेंशंस हैं वो हमेशा अच्छी नहीं होने वाली हैं, तो कीप दैट इन माइंड. चलिए पाइसिस के लिए और देखते हैं व्हाट एल्स इज कमिंग.
मैनिफेस्टेशंस, अ बाउंटिफुल टाइम अवेट्स योर विशेज, आपकी विशेज पूरी हो सकती है. विजडम पाप, एंजल्स कह रहे हैं कि पास्ट में फोकस मत कीजिए, फ्यूचर की तरफ फोकस कीजिए. एडवाइस फ्रॉम एन ओल्डर पर्सन विल अलाउ यू टू मूव ऑन. कोई ओल्डर पर्सन है जो आपको एडवाइस कर सकते हैं, यू नो, या कुछ आपको बता सकते हैं, तो उनकी बात आपके मतलब काम की हो सकती है. ऑफकोर्स आपको मानना चाहिए उनकी जो एडवाइस है. फ्रेंडशिप, अ फ्रेंड नीड्स योर हेल्प. कोई फ्रेंड है जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है, एंड यू कैन हेल्प देम, यू नो, ताकि वो ट्रैक पे वापस आ सके. लव लाइफ, ओके, मुझे ऐसा लगता है कि लव लाइफ में आप अपनी प्रॉब्लम्स में से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट एंजल्स यहाँ पर आपको बार बार ये चीज़ कह रहे हैं कि पास्ट की तरफ फोकस ना करें. बाकी कुछ चीज़ें हैं, आपकी कोई विशेज हैं जो पूरी हो सकती हैं. चलिए, साईं बाबा की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है आपकी सिचुएशन, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर हो, बाबा की तरफ से आपके लिए इस हफ्ते क्या मैसेज है, लेट्स फाइंड आउट. लिव इन द प्रेजेंट. बाबा कह रहे हैं कि प्रेजेंट में जियो, ये मत सोचो आगे क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ठीक है. वो आपके साथ हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको सही रास्ते की तरफ बढ़ा रहे हैं. टुमारो, कल क्या होना है वो किसी ने कुछ नहीं देखा. बी प्रेजेंट इन द मोमेंट कि अभी क्या है, बस उसको जियो, ठीक है. ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तो पाइसेस, आप भी ये माइंड में रख के चलिए कि जो है अभी है, ठीक है. पास्ट का भूल जाइए, वो तो हो चुका है. फ्यूचर का आपको पता नहीं है, ठीक है. तो जब सब कुछ अननोन है, देन यू शुड इन्जॉय द मोमेंट, ठीक है. जो अभी चल रहा है उसको चेरिश कीजिए, उसको यू नो समेट के रखिए. सो दिस इज़ वॉट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. टू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते. टिल देन टेक केयर.